আমাদের কিন্তু স্বামী মহারাজ, স্বামী জন্মী মহারাজ, আমাদের লক্ষ আমাদের বাবা ঠিক
कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, भगवान को भी कर्म का भोगना पड़ा था। जयशंकर ने कहा महाभारत को जो युद्ध हुआ था महाराज, उसमें कारण श्री कृष्ण था, श्री कृष्ण के कारण महाभारत करो, अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो महाभारत युद्ध नहीं होता। होनी थी होनी जानी, ब्रह्मों ने जानी और होनी होकर नहीं युद्ध का कारण एक बार श्री कृष्ण थे। अगर वो चाहते तो संधि करवा देते करोड़ों प्राणों में, लेकिन भगवान होकर के संधि नहीं करवा पाए। कौन समझाते हैं, वो कहते हैं कि देखो तुम इतना मूर्ख है, इतना हठी है, मैं तुमको कर रहा हूं, विधायक कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, तुम दक्षिण दिशा में शिकार खेलने के लिए मत जाना, और किसी दिशा में जाना तो कोई बात नहीं, दक्षिण दिशा में मत जाना, लेकिन कर्म इतना मजबूत होता है कर्म फल, उसको खींच करके दक्षिण दिशा में ले गया। फिर कहा दक्षिण दिशा में अगर जाओगे भी तो श्याम मिर्गा के पीछे तुम मत दौड़ना, लेकिन तुम्हारा कर्म फल बता रहा है तुम दौड़ोगे और तुम उसको मारने के लिए प्रयास करोगे। चलो मार भी दोगे उसके पेट को चीरना मत, फाड़ना मत। चलो अगर पेट को फाड़ भी दोगे उसके पेट से कंधे निकलेगी, एक लड़की निकलेगी, उससे तुम विवाह मत करना, लेकिन तुम विवाह नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा कर्म फल तुम पर हावी है, वैसा करेगा। चलो विवाह कर भी लेना तो जवान ब्राह्मणों से तुम कर्मकांड मत करवाना, लेकिन तुम कराएगा क्योंकि उस दिन ऐसा होगा कि जितने भी बूढ़े ब्राह्मण थे सभी कर्मकांड कराने के चले गए थे, तुम जवान ब्राह्मण ही थे तो जवानों के ब्राह्मण का जवान ब्राह्मण आए कर्मकांड कराने लगे, तो फिर कहते हैं तो ब्राह्मण जो कर्मकांड कराएंगे तुम्हारे उल्टे सीधे कपड़े पहरे देख करके उनको हंसी आ जाएगी, और तुम बांध लेकर के मारने के दौड़ोगे, वो तपस्वी ब्राह्मण होंगे, वो तुम्हें साफ दे देगा और तुम्हारे शरीर में कुछ बीमारी हो जाएगी, और ऐसा ही होगा। कर्म गति टाड़े ना ही करी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोधित लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को मन में रूपक पड़ी, कर्म गति टाड़े ना ही करी। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, अरे कर्म का फल भगवान को भोगना पड़ा, भगवान श्री राम ने बाली को छिप करके मारा, द्वापर में बदला दिया, द्वापर में बदला दिया, जरा पैदा मत करके आया, वही भगवान राम थे जो किसी के रूप में आए जंगल में लेके हुए थे। उन्होंने सोचा कि हिरण का भी पीला, हिरण जो हजीम निकाले हुई है, वो तो भगवान का पेड़ था, सूर्य की रोशनी में चमक रहा था, बाण मारा, लेकिन वही भगवान थे। महाभारत के युद्ध में बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण के शरीर में बाण लगते थे, अब बाण उसी को सटीक हो जाते थे जैसे नदी से पुत्र समझ जाती है, लेकिन ज्यादा एक बाण से भगवान ने शरीर छोड़ दिया। यही कर्म फल है, इसलिए कर्म सोच समझ के करना चाहिए, इसलिए ध्यान करना चाहिए। यदि शैल सब हम पापो विस्तृत ध्यान योग्य का नाम इन्हीं शब्दों के साथ हमारा समय समाप्त हुआ। गुरु जन्म चरणों में नमन करके अपने मालिक को वही विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।